अस्सलाम वालेकुम, क्लास 3 प्रोग्रेसिव इंग्लिश। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ओपन पेज नंबर 11, राइट डाउन क्लास वर्क इन डेट, यूनिट 2, लेसन 5, द 3 लिटिल गोट्स, पार्ट 2। रीड पार्ट 2 ऑफ द स्टोरी एंड आंसर दीज क्वेश्चन। आज हम पार्ट 2 उसका रीड करेंगे। पार्ट 1 हम रीड कर चुके हैं। वेयर डिड द वुल्फ स्टार्ट इट्स क्लाइम, वेयर डिड इट फिनिश, कहाँ से लोमड़ी ने क्लाइम करना स्टार्ट किया और कहाँ पे फिनिश किया। इस इन क्वेश्चन का आंसर हमें इस स्टोरी को रीड करके मिलेगा। द थ्री लिटिल गोट्स हर्ड द वुल्फ क्लाइम इनसाइड द टॉप ऑफ द चिमनी। तीनों छोटी बच्चों ने सुना कि जो लोमड़ी है वो चिमनी के रास्ते अंदर की तरफ आ रही है, क्लाइम कर रही है। दे वर एफ्रेड, वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा थी। कहती हैं, ओ नो द वुल्फ इज कमिंग डाउन द चिमनी, दे शाउटेड टूगेदर। जो वुल्फ है वो चिमनी से नीचे आ रही है, वो इकट्ठी चलाई। क्विक, जल्दी, सेड टाइनी हॉर्स, टाइनी हॉर्स ने कहा, पुट मोर स्टिक ऑन द फायर, आग के ऊपर और स्टिक्स डालो, इट विल बी टू हॉट फॉर वुल्फ। ये वुल्फ के लिए बहुत ज़्यादा हॉट होगा। बट द वुल्फ कंटिन्यू टू क्लाइम डाउन द चिमनी, लेकिन वुल्फ ने जारी रखा, मैं क्लाइम नीचे की तरफ आना जारी रखा, चिमनी से नीचे की तरफ आना जारी रखा। क्विक सैड शॉर्ट हॉर्न्स, पुट सम वेट लीव, शॉर्ट हॉर्न्स कहने लगी कि कुछ गीले पत्ते डालो ऑन द फायर, फायर के ऊपर, इट विल बी टू स्मोकी फॉर वुल्फ। ये वुल्फ के लिए बहुत ज़्यादा स्मोकी होगा। बट द वुल्फ कंटिन्यू टू क्लाइम डाउन द चिमनी, लेकिन फिर भी वुल्फ ने नीचे आना जारी रखा। क्विक सेट लॉन्ग हॉर्न्स, लॉन्ग हॉर्न्स ने कहा, जल्दी करो, पुट मोर स्टिक ऑन द फायर, फायर के ऊपर और स्टिक्स डालो, मूव द पैन ऑफ हॉट वाटर ओवर द फ्लेम, फ्लेम्स के ऊपर मूव करो हॉट वाटर के पैन को, द वाटर विल बी टू हॉट फॉर वुल्फी। जो पानी बहुत ज़्यादा गर्म होगा वुल्फ के लिए। सून दे कुड सी द वुल्फ टेल अबाव द फायर प्लेस, जल्दी उन्होंने फायर प्लेस के थोड़ा सा ऊपर लोमड़ी की दुम देखी। क्विक जल्दी सेट टाइनी हॉर्स, टाइनी हॉर्स ने कहा, पुल खींचो, सो दे पुल द वुल्फ टेल एंड द वुल्फ फेल इनटू द पॉट ऑफ बॉइलिंग वाटर। टाइनी हॉर्स ने कहा खींचो, सो उन्होंने वुल्फ की दुम को खींचना शुरू किया और जो है वो उबले हुए पानी के की देशी में गिर गई। शॉर्ट हॉर्न हिट द वुल्फ ऑन द हेड विद अ बिग आयरन स्पून, शॉर्ट हॉर्न ने वुल्फ के हेड के ऊपर एक बहुत बड़ा आयरन स्पून मारा, हिट किया उसको। लॉन्ग हॉर्न पुट द लिड ऑन द पॉट, लॉन्ग हॉर्न ने पॉट के ऊपर उसका ढक्कन रख दिया। टाइनी हॉर्न पुट अ हैवी स्टोन ऑन द लिड, टाइनी हॉर्न ने एक बहुत बड़ा पत्थर ढक्कन के ऊपर रख दिया। दैट वॉज द एंड ऑफ द बिग बैड वुल्फ, ये बड़ी बुरी लोमड़ी का एंड था। नंबर 2, आर दीज सेंटेंसेस ट्रू और फॉल्स। एग्जाम्पल, द वुल्फ वॉज टू बिग टू क्लाइम डाउन द चिमनी, द फॉल्स है। नंबर 1, द गोट्स मेड द फायर एंड द वाटर हॉटर, ट्रू। नंबर 2, द वेट लीव्स ऑन द फायर मेड द चिमनी वेरी स्मोकी, ट्रू। Number 3, the goats saw the wolf's head appear in the fireplace, false. Number 4, the wolf escaped from the pot, false. Number 3, use your own words to complete these sentences. Number 1, the third house didn't fall down because the house was strongly built. Number 2, the wolf couldn't fell down, so he climbed down the chimney. Number 3, the goats tried to make the fire hotter, so they put more sticks. Number 4, the goats tried to make the chimney smoky, so they put some wet leaves. Number 5, the goats pulled the wolf down by its tail and put him into the pot. Number 6, the goats made fire to the wolf, could not escape. आज हमने द थ्री लिटिल
कोर्स पार्ट टू पढ़ा, पार्ट वन हम पहले रीड कर चुके थे, आपने इसकी रीडिंग करनी है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।